कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका? बहुत सारे लोगों का हमने इंटरव्यू किया, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसी बातें हो रही कि कुणाल जी कहाँ है, उनसे भी जरा कुछ, उनका भी कुछ लाइए। तो आज आप सामने, तो आप बताइए कि कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिला इतनी बड़ी फिल्म में काम करने का, इतने बड़े कलाकारों के साथ। और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि मेरे लिए एक बहुत ही अलग किरदार था। मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया है। और पिछले कई सालों में मैं कॉमेडीज़ ज़्यादा कर रहा था, तो द फैक्ट दैट करण इवन अप्रोच मी विद अ पार्ट लाइक दिस, क्रेडिट गोज़ टू हिम। अगेन अभिषेक वर्मन, हु आई थिंक इज़ फैंटास्टिक विद एक्टर्स एंड द वॉट ही इज़ डन विद ऑल ऑफ अस, वॉज सो क्लियर। और मुझे बहुत मज़ा आया अब्दुल का किरदार निभाते हुए, और बहुत खुशी है कि वही किरदार जो मुझे मज़ा आया निभाते हुए लोगों को इतना पसंद आया। और आई थिंक ये बहुत अच्छी जगह है जो आपने बोली कि लोग चाहते हैं मुझसे बात करना, एज अपोज टू कि मैं जाके बात कर रहा हूँ और वो सुनना नहीं चाहते। बट खुशी है और लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लॉट ऑफ आई एम हम्बल बाय द रिस्पॉन्स आई हैव गॉट। जैसा कि आपने भी बताया कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ में जब इतने सारे लोग होते हैं, मैंने जितना भी देखा कि सभी का कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रांग जी था, तब उसमें जब बताया गया कि ये आपका कैरेक्टर होने वाला है, तब आपके दिल में क्या कुछ चल रहा था? आपको बताया गया कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने वाली है इस फिल्म में जी और सब कुछ इस तरह से सेट होगा, ये होगा, तो क्या चल रहा था आपके दिमाग? कुछ नर्वसनेस थी देखिए, उसमें? मैं ऑनेस्टली अपनी बात कहूँगा तो मुझे जब मैंने किरदार सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स था और जिस तरह के उसके सीन्स थे, तो मैंने सिर्फ उसी पे ध्यान दिया। मैंने उससे ज़्यादा ये नहीं सोचा कि वो इनका कैसा होगा या इसका क्या होगा, मैं दिखूंगा नहीं दिखूंगा। मैंने सिर्फ अपना काम काम पे ध्यान दिया और उसे पूरी शिद्दत से किया। और एंड दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ। लाइक आई सेड, आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी लाइक, मतलब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित इतने बड़े नाम हैं जो हम बचपन से जिन्हें खुद देखते हुए आए हैं। कभी ना कभी खुद भी संजू बाबा की तरह ट्राई किया है एक्ट करने का। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द सेम फिल्म एज दैम। सो लाइक आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम वेरी लकी दैट दिस रोल गॉट ऑफर टू मी, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस। एंड इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारे इंडियन सिनेमा में बहुत कुछ चेंज आ चुका है, डिजिटल का ज़माना आ गया है, हमने अभय देखा, तो ये जो आपने डेब्यू किया, ये कैसा रहा एक्सपीरियंस डिजिटल का? एंड कुछ डिफरेंट मानते हैं आप, ये जो फिल्मी दुनिया होती है और ये जो डिजिटल की दुनिया है, इन दोनों में कितना, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों में कितना अंतर होता है आपके लिए? मुझे भी ऐसा मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि ये डिजिटल स्पेस बहुत ही नई है। पिछले 1-2 सालों में इसका बूम हुआ है और अब बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली जब मैं पहले दिन सेट पे गया, बिल्कुल फिल्म सेट जैसा था, प्रोडक्शन वैल्यू वैसी थी, टेक्नीशियंस वही थे जो फिल्में करते हैं, कैमराज एग्जैक्टली वही हैं जिन पर फिल्में शूट होती हैं, केन घोष जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो उसे डायरेक्ट कर रहे थे। तो सेट पे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ और शूट कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट इज़ कम्प्लीटली द सेम। बस ये अंतर है कि फिल्म की कहानी 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाती है, तो आपको वो किरदार सिर्फ उतने अरसे के लिए जीना है। जबकि एक वेब शो में आप उसकी जड़ तक जा सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि हमने 8 एपिसोड किए, अगर 40-40 मिनट का भी एपिसोड है तो कम से कम 7-8 घंटे का स्क्रीन प्ले बनता है। हिट हुई तो और भी एपिसोड कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड जो अभी अभय के साथ बात चल रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतनी जल्दी इतना सराहा गया उसे, और इतना प्यार मिला उस किरदार को और उस शो को। और मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया इस पेस करने में, क्योंकि मुझे इस तरह के शोज़ देखना भी पसंद है। तो जब मुझे करने का मौका मिला और जिस तरह से हमने शो को बनाया, इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कलंक और अभय दोनों कॉमेडी से हटके जो किरदार मैंने किए उन दोनों को लोगों ने सराहा है। अभय के सीज़न 1 ख़त्म हो गया, उसका लास्ट एपिसोड अभी 3 तारीख को आया था। अभी सीज़न 2 करने की बातें चल रही हैं, बिकॉज इट्स बीन लव्ड एंड अप्रिशिएटेड सो मच। लेकिन अभी बहुत जल्द है उसके बारे में बात करने का, लेकिन इंटेंट है अभी सीज़न 2 का बनाने का। तो अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली आपकी, चाहे मैं सोहा जी, सैफ, करीना, जी सभी की बात करूं, इनाया की बात करूं, अगर किसी ने आप अभय एंड कलंक अगर देखी या कुछ, क्या उनका फील, या सोहा जी का क्या फीडबैक था लाइक देखने के बाद, कुछ अगर आपको याद है तो? थैंकफुली जो ऑडियंसिस का था वैसा ही है, उन्हें बहुत अच्छा लगा मेरा काम। अभय इनफैक्ट हम लोग दोनों साथ में देखते थे, क्योंकि वो एपिसोड एपिसोडिक था, मतलब वो एक साथ बिंज वॉच के लिए नहीं आया, हर महीने एक एक दो दो एपिसोड आते थे, तो वी बीन वॉचिंग इट टुगेदर।
और फर्स्ट टाइम व्यूइंग साथ में ही थी, तो मेरे लिए भी पहली बार, मैंने भी नहीं देखा था एपिसोड, हम साथ में ही देखते थे एंड शी रियली एंजॉयड, क्योंकि उसे भी ये जॉनर बहुत पसंद है. तो बोथ ऑफ अस एक्चुअली एंजॉयड इट, आई ऑल्सो एंजॉयड वॉचिंग इट, क्योंकि जब हम कर फिल्म में क्या होता है, आप करते हैं उसके बाद डब करते हैं, उसके बाद प्रीव्यू देखते हैं, फिर जनता के साथ देखते हैं. ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमने ख़त्म किया और हमने भी, हो सकता है कि कुछ लोगों ने मुझसे पहले देख लिया हो एपिसोड, सो आई ऑल्सो वॉच्ड इट लाइक एन ऑडियंस एंड आई रियली एंजॉयड व्हाट आई सॉ. जी इनाया अभी तक टीवी देखना शुरू नहीं किया, अभी हमने उसको टीवी टाइम शुरू नहीं किया, तो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम किसी और पर्दे पे भी आते हैं. जी जी आदित्य हैं, दिशा हैं. सब सब कुछ होगा, सब कुछ होगा. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म है. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं दोबारा मोहित के साथ काम कर रहा हूँ. मोहित मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर थे कलयुग के, उसके बाद अब हम मलंग पे एक साथ काम कर रहे हैं. और आप जब फिल्म देखेंगे आपको समझ आएगा कि इट वॉज़ वर्थ द वेट, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है. एक थ्रिलर ड्रामा स्पेस में है, क्राइम भी है उस फिल्म में. और इट्स अ लवली अनसम्बल पीस, जहाँ सारे ही किरदारों के इतने सारे शेड्स हैं और इतनी एक इंटरेस्टिंग नैरेटिव होने वाला है, एक नई तरह की कहानी देखने को मिलेगी. तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. हमने उसकी शूटिंग अभी शुरू कर ली है एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट वर्किंग विद अनिल जी. मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बचपन से उन्हें देख रहे हैं और उनके फ़ैन रहे हैं, और हम बड़े हो गए लेकिन अनिल जी बड़े नहीं हुए. वो एग्जैक्टली इफ नॉट बेटर, ही इज़ लुकिंग सो गुड कि अब हमको ऐसा लगता है कि यार हम कहीं ना कहीं किसी फ्रेम में शायद उनसे बड़े लगे. आई थिंक सबसे ज़रूरी मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट ही है, क्योंकि अगर फिल्म की कहानी के हिसाब से एक फिल्म का किरदार होगा और फिर जिस तरह की कंपनी उसे बना रही है, जिस तरह के लोग उस फिल्म से जुड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें महत्व रखती हैं. लेकिन जैसे आपने बात कही कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि ऑडियंसेस अलग अलग कहानियों को एक्सेप्ट कर रही हैं और देखना चाहती हैं. अब हीरो और विलेन की परिभाषाएं भी बदल चुकी हैं. पहले वो बहुत ही राम और रावण, सही गलत, वाइट ब्लैक, इस तरह के किरदार होते थे. लेकिन अब हीरोज़ भी कहीं ना कहीं ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं या डार्क शेड्स होती हैं, और एंड देर इज़ एन ऑडियंस दैट एक्सेप्ट इट एंड लाइक्स टू वॉच इट, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े रियल होने लगे हैं सारे किरदार जो हम फिल्मों में देख रहे हैं. अगर आप डायलॉग्स पे भी ध्यान दें तो अब एक एफर्ट डाला जाता है कि इस तरह के डायलॉग्स हों जैसे जब आप और हम बात करें उस तरह के हों. वो फिल्मी डायलॉग्स का दौर अब थोड़ा चेंज होने लगा है. इसीलिए जब कभी वो आती हैं तो और भी सराही जाती है. जैसे मुझे याद है जब वंस अपॉन ए टाइम में मुंबई आई थी, हमने कहा था अरे मज़ा आ गया यार, डायलॉग बाजी है फिल्म में. सो आई एम सेइंग ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स आर बीइंग मेड एंड ऑल काइंड्स ऑफ एक्टर्स आर गेटिंग चांसेस टू प्ले ऑल काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड इट्स अ ग्रेट टाइम. और वेब प्लेटफॉर्म के आने से आई थिंक इसको और भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है. इट रीचेज अ बिगर ऑडियंस एंड पीपल आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट स्टफ नाउ. जी एक एक और फिल्म है कॉमेडी जो जिसे अभी तक जो मेरा फेवरेट जॉनर है, एक कॉमेडी है फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ के साथ. एक एड फिल्म मेकर हैं राजेश कृष्णन, जिनकी पहली फिल्म है ये. तो वो आएगी इसी साल, तो उस दैट्स गोना बी द नेक्स्ट अनाउंसमेंट एंड द नेक्स्ट रिलीज एक्चुअली. ये मेकर्स का काम है, हम सब एक्टर्स हैं. हमने ऐसा नहीं सोचा. अगर किसी ने ऐसा सोचा हो और ऐसी कोई स्क्रिप्ट हो जो हम सबको एक्साइट करे, सो देन ऑब्वियसली दैट विल बी अनदर डिस्कशन टू बी हैड. बट पर्सनली हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम सब एक साथ मिलकर एक ही फिल्म में काम करें. बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा. जितना भी प्यार आप लोगों ने दिया, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. हर एक्टर अपनी पूरी शिद्दत से काम करता है इसी चीज़ के लिए, जो प्यार और सराहना उसकी ऑडियंसेस उसे देती है. सो थैंक यू फॉर दैट.
आने वाली फिल्में हैं, मलंग, ये फॉक्सी जो फिल्म आ रही है उसे भी आप देखें. एंड हैव अ ग्रेट ईयर एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक्स. ये निकाल दूँ अब? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीवी नेक्स्ट बॉलीवुड.